Audio Jungle. कुकिंग क्रेज विद नाहिद के साथ, नाहिद आपके साथ है आज एक बहुत ही जबरदस्त इजी और क्विक राइस की रेसिपी के साथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अर्बन राइस की रेसिपी। तो आ जाएं अर्बन राइस की रेसिपी में। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1 पाव यानी कि 225 ग्राम, शिमला मिर्च मैंने 2 बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें जाएगा ये आप देख लें, ये मैंने लिया है कुछ किशमिश है मेरे पास, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। कुटी हुई काली मिर्च है हमारे पास 1 टेबल स्पून। सोया सॉस है हमारे पास 1 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी है हमारे पास 2 टेबल स्पून। यहाँ चिकन पाउडर हमने लिया है 2 टेबल स्पून। और ये हमारे पास सिरका है जो कि 1 टेबल स्पून के बराबर है। इसके अलावा इस रेसिपी में सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा इस रेसिपी में मैंने 1/2 kg राइस लिया है। इसकी राइस को आप पहले से तकरीबन 2-3 घंटा पहले बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। इससे आपके अरबिक राइस या अर्बन राइस का टेस्ट बहुत ऑसम आएगा। आ जाएं इस झटपट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला इसमें, और ऑयल डालने के बाद ऑयल को थोड़ा सा हीट अप करके हम वेजिटेबल को पहले, ये जो हमने शिमला मिर्च लिया था ये मैं ऐड, ये देखें ये जब थोड़ा सा शिमला मिर्च हमारा सौते होने लगे तो हम इसमें चिकन ऐड करके इसको थोड़ी देर इस तरह हम कुक कर लें। ठीक, अब इसमें आपने ये शुगर ऐड कर दीजिए जो हमने लिया था, काली मिर्च ऐड चला जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। और हमने जो सोया सॉस लिया था हमने सोया सॉस भी ऐड कर दिया इसमें। इसके अलावा हमने जो सिरका लिया था ये सब ऐड करते जाएंगे, हम इसको कुक करते जाएंगे। ये हमने किशमिश लिया था, ये किशमिश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर ज़्यादा अच्छा आपको इसका फ्लेवर पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये हमने सिरका भी इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इसे स्पीड में कुक करेंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिए। और ये हमारे पास नमक ऐड करते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है, तो मैंने चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा रोक रही हूँ, अगर मुझे चावल ज़्यादा सॉल्टी लगे तो फिर मसला हो जाएगा ना, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा रोक दिया है। अब इसको बहुत अच्छी तरह आपको आपस में बस जल्दी जल्दी कुक करना है, और अब मैं जो पहले से बॉयल की हुई राइस है वो ऐड कर दूँगी। ये मैंने चावल देखें जो मैंने बॉईल करके रखा था वो भी ऐड कर दिया। ये राइस बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा होता है। मैं इसको हनी विंग्स के साथ अभी सर्व करूँगी, आपको दिखाऊँगी। मुझे सॉल्ट कम लग रहा है तो मैंने बकिया बचा हुआ जो चिकन पाउडर है वो भी ऊपर से ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब मैं तेज़ी से इसके स्पून को चलाऊँगी थोड़ी देर, और मैं इसको आपस में सबको मिक्स करूँगी, और उसके बाद आपको इस राइस का बिल्कुल फाइनल लुक दिखाऊँगी।